स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर मोशन बैक एक्सरसाइज। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, और शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो ग्राफ प्रॉपर आप बुक से देखिएगा, टेक्स्ट बुक से। मैंने यहाँ पर रफली ग्राफ बनाया है समझाने के लिए। आपको एक्स एक्सिस पे टाइम दिया है, वाई एक्सिस पे स्पीड दी है, और पूछा है हाउ फार मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड तक में, 0 से 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस कितना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। अब कैसा एरिया है, नॉर्मली आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, या फिर ऐसा ग्राफ है। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी दो पोजीशंस है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो शेप बन रहा है, ये ना तो ट्रायंगल है ना ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, ठीक है। ट्रायंगल अगर बनाएंगे आप, तो ये ट्रायंगल हुआ, यहां से यहां तक ट्रायंगल हुआ। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते हैं तो ये पार्ट छूट जाएगा, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन का आंसर मिलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस कम मिलेगा आपको, क्योंकि ये पार्ट छूट जाएगा। अब सर्कल का क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ सर्कल हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस सेम नहीं है। सर्कल, ये सर्कल, सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, दिखता रहा है ऐसा, लेकिन है नहीं, सर्कल का नहीं है 1/4 पार्ट, क्योंकि ये रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल और ये रेडियस ऑफ सर्कल, यहां से यहां तक 4 है, लेकिन यहां से यहां तक कितना है, कुछ 6 है, समथिंग 6 के आसपास है, ठीक है। तो ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये और ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये सर्कल का क्वाड्रेंट भी नहीं है, सर्कल का 1/4 पार्ट भी नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छा रहेगा अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लें। अपनी टेक्स्ट बुक से आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करना है, 0 to 4 सेकेंड में कितने बॉक्सेस हैं। ये जो यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए 1, 2, 3, 4 ऐसे बॉक्सेस आपको काउंट करना है, ठीक है। आप कैसे काउंट करेंगे मैं बता देती हूँ। आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऐसे बॉक्सेस कैसे काउंट करते हैं। जो फुल बॉक्स है वो 1 बॉक्स, जो हाफ, दो, अगर दो हाफ है तो 1 + ½ + ½ 1 कर देना। मोर देन हाफ अगर बॉक्स का एरिया है, जैसे कोई बॉक्स ऐसा है, एक बॉक्स कोई ऐसा है तो इसको हाफ ले लेंगे, कोई बॉक्स, ये तो हाफ वाला ही आया, अगर कोई बॉक्स ऐसा आ रहा है तो उसको छोड़ देना। लेस देन हाफ अगर पार्ट आ रहा है तो उसको छोड़ देना, मोर देन हाफ को 1 काउंट करना, हाफ और हाफ को 1/2 + ½ 1 कर लेना, क्लियर हो गया। तो ऐसे अगर आप इतने एरिया में नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से करना प्लीज, तो आपको टोटल अप्रोक्सीमेटली, ये भी अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 63 बॉक्सेस मिलेंगे। तो काउंट, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन दिस एरिया। कैसे काउंट करना, एक बार फिर से बता रही हूँ, जो कंप्लीट बॉक्स है 1, मोर देन हाफ है उनको भी 1 काउंट करो, लेस देन हाफ है उनको छोड़ दो, और जो हाफ और हाफ दो दिख रहे हैं तो उनको प्लस, एक हाफ प्लस हाफ 1 कर देना, ठीक है। इससे नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको मिल जाएंगे यहां पर, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अप्रोक्सीमेटली 63 है, ठीक है। अब अगर हम एक बॉक्स का एरिया निकाल लें, अगर हम किसी भी एक बॉक्स का एरिया निकाल लें इंटू 63 कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब एक बॉक्स का एरिया कैसे निकालें, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ और ब्रेड्थ कैसे निकालें, ध्यान से देखिएगा। टाइम मैं यहां से यहां तक ला ले रही हूं, टाइम 2 सेकेंड, तो कितने यहां से यहां तक मैं कितने बॉक्सेस हैं, अपनी टेक्स्ट बुक के फिगर से काउंट करिए। यहां पर आपको 5 बॉक्सेस मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 बॉक्सेस से 2 सेकेंड बन रहा है, तो 1 बॉक्स में कितना टाइम, 2/5 सेकेंड्स, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, एक बॉक्स की लेंथ आ गई 2/5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स की लेंथ कितनी आई, 2/5। ऐसे ही वाई एक्सिस पे लेते हैं बॉक्स, बॉक्सेस और वेलोसिटी, यहां से यहां तक में 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस। काउंट करिए अपनी बुक में, यहां से यहां तक में 3 बॉक्सेस हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स।
ठीक है, तो थ्री बॉक्स में थ्री बॉक्सेस की वेलोसिटी कितनी हुई 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगर वन बॉक्स लेंगे तो 2/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये ब्रेड्थ हमें मिल गई, अगर हम ये लेंथ ले लें और ये ब्रेड्थ ले लें तो एक बॉक्स का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंथ हमारे पास फॉर वन बॉक्स लेंथ इज हाउ मच 2/5 एंड ब्रेड्थ कितनी मिली हमें 2/3। और इसको अगर हम रेक्टेंगल मान लें तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स, मैं इरेज कर दूं, तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां से यहां तक 2/5 वन बॉक्स का और यहां से यहां तक ब्रेड्थ 2/3, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज 4/15। ये वन बॉक्स का एरिया हो गया। और हमारे पास कितने बॉक्सेस है, एरिया अंडर द ग्राफ में कितने बॉक्सेस है, हमारा ये जो टोटल एरिया है एरिया अंडर द ग्राफ कितने बॉक्सेस है, हमने अप्रोक्सीमेटली काउंट किया 63, तो एरिया ऑफ 63 बॉक्सेस में 63 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं देख लूं क्या निकाला है मैंने, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 16.8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कैसे निकाला एरिया अंडर द ग्राफ 16.8 मीटर। अच्छा, इसी में हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल करते तो क्या था वो भी देख लो, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल करते जिसमें हमारा ये वाला पार्ट छूट जाता, इतना पार्ट छूट जाता, एरिया ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4 और हाइट 6, ठीक है कितना हो गया ये 2 6 12, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते तो 12 मीटर आता, कम क्यों आया, क्योंकि हमारा ये पार्ट मिसिंग है, इसमें इतना पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो हमने बेटर अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल लिया है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा मोशन हो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कोई भी कर्व हो तो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक, इसके बाद कहां से इन्होंने पूछा यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हुआ, तो आप ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट बुक में फिगर, तो करीब अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड्स के बियॉन्ड द पोर्शन ऑफ ग्राफ बियॉन्ड द पोर्शन ऑफ ग्राफ बियॉन्ड 6 सेकेंड्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई कुछ, ठीक है टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, मींस यूनिफॉर्म मोशन बियॉन्ड 6 सेकेंड्स इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन।